सो हे गाइस, फाइनली ऑर्डर लेरेट ने भी जो है आभास राणा को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक लेटेस्ट वीडियो डाला था जहाँ पे काफ़ी कुछ वो जो है आभास राणा के बारे में बोले थे और उनके सुपर मैच के रिलेटेड भी बोले थे। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। Because my next guy, pulling, well, yet to be confirmed, but that I'm hopefully pulling, is going to be very strong. What can I say about Abbas Rana? He's got a great hook. सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आभास राणा को क्या क्या बोल रहे हैं ऑर्डर लेरेट और क्या ये सुपर मैच हमें इन फ्यूचर में डेफिनेटली देखने मिल सकता है या नहीं। उसके साथ ही साथ डेवन लेरेट जो है कुछ दिन पहले लाइव गए थे, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो बात किए थे जिसमें से दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे वो लेवान वर्सेज जेरी कैडोरेट के मैच के बारे में क्या सोचते हैं कि मैच किस तरीके से जा सकता है। माइकल टॉड का जो प्रोनेशन का उन्होंने पीआर किया है उसके ऊपर डेवन लेरेट के जो है क्या थॉट्स है। और एंड में जो है ब्रायन शॉ का अपडेट है, ब्रायन शॉ और एडी हॉल का मैच आ रहा है और ब्रायन शॉ जी तोड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो रिसेंटली उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अपने प्रैक्टिस सेशन को और वो कुछ टॉप आर्म रेसलर्स को हरा रहे थे, वो भी हम डिस्कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और एक और बात, आर्म रेसलिंग फैंस मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख दें, क्यों? बिकॉज आर्म रेसलिंग वर्ल्ड से हम जो है आपके लिए बेहतरीन आर्म रेसलिंग न्यूज लाते हैं, वर्कआउट्स की वीडियोस लाते हैं, टिप्स की वीडियोस लाते हैं। सो मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा। यहाँ पे आपको जो है आईडी आ रही होगी बिकॉज वहीं पे हम बहुत सारी अनाउंसमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, जैसे कि हमने आज किया है मंडे को आकृति खंडारी के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था उसका वीडियो हम लाने वाले हैं। सो मेक श्योर एक बार आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। सो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे ऑर्डर लेरेट ने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे वो वर्कआउट्स कर रहे थे, अपने आर्म रेसलिंग के जो है ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे थे पुलिस सिस्टम पे, और साथ ही साथ जो है वो कुछ चीजें बोल रहे थे, बता रहे थे। उसके बाद डायरेक्टली जो है आभास राणा का टॉपिक वो शुरू कर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि अभी मैच तो कन्फर्म नहीं हुआ है, बट या मुझे जो है आभास राणा से मैच करना है। वो 105 पीजी कैटेगरी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनका इनसाइड हुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वाफ के भी जो है चैंपियन रह चुके हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के सब जूनियर में। और वो तो ये भी कह दिए कि ऑर्डर लेरेट के हिसाब से वो इंडिया में भी नंबर सेकेंड चल रहे हैं मजाहिर सैदू के बाद। सो ये सारे चीज़ें जो उन्होंने कही है और उनका जो एक मेन सेंटेंस ये था कि द मैच इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड बट होप सो आई विल बी पोलिंग विद हिम। सो अभी मैच तो कंफर्म नहीं हुआ है हमें भी पता है, बट ऑर्डर लेरेट भी चाह रहे हैं उनसे पुलिंग करना। और अगर लेरेट फैमिली इतना ज्यादा आभास 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 कर रहे हैं सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होगा, डेफिनेटली उनका मैच रखा जाएगा आभास के साथ। अब देखते हैं कितने जल्दी रख देते हैं, कैसे रख देते हैं और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेक श्योर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे ही वीडियो एंड होता है तब उन्होंने क्या कहा कि आई विल मेक श्योर आई विल रिप योर हैंड ऑफ आभास राणा, यानी कि वो इतना ज्यादा मतलब लास्ट में जब ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं और एंड में ये बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ जो है रिप अपार्ट कर दूंगा। सो देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। Abbas Rana, I'm gonna rip your hand off and that's about it guys. और हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो डेवन लेरेट की एक लाइव स्ट्रीमिंग पे है जहाँ पे उन्होंने दो टॉपिक मेनली कवर किया था, जहाँ पे वो जेरी कैडोरेट और लेवान सेगिनेशविली के मैच के बारे में बोल रहे थे। सो किसी ने उनसे पूछा था कि अगर जेरी कैडोरेट लेवान को हरा देते हैं सो क्या आप वापस से जेरी को चैलेंज करोगे कि नहीं। सो डेवन बोलते हैं कि हाँ ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ईजी मैच रहेगा वो, बट उसके बाद वो ये बोलते हैं कि लेवान को हराना बहुत मुश्किल है, जेरी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पे डेवन तो ऑब्वियसली लेवान के साइड ही है बिकॉज उन्होंने लेवान का पावर जो है फील किया है। और दूसरा जो क्वेश्चन ये था कि माइकल टॉड के प्रोनेशन पीआर पे उनका क्या ओपिनियन है बिकॉज माइकल टॉड ने 84.4 केजीज का जो है प्रोनेशन रिकॉर्ड बनाया और डेवन लेरेट कुछ 72-74 केजीज तक ही किए हैं। सो यहाँ पे ऑर्डर लेरेट भी बोले थे यस बहुत ही अच्छे लेवल से और बहुत ही तगड़ा जो है उनका फॉर्म था और अच्छे से जो है वो प्रोनेशन लिफ्ट में अपना पीआर बढ़ा रहे हैं। सो अगर वो अभी गेनाडी क्विकविनिया के साथ उनका मैच है अगर उनको हरा देते हैं तो सीधा अर्मीज गैस्परिनी के साथ मैच होगा और अर्मीज गैस्परिनी को हरा देते तो फिर लेवान के साथ मैच देखने मिलेगा। सो अभी रोड तो काफ़ी बड़ा है माइकल टॉड के लिए। सो देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगा हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाना। और एंड में जो है हमारा ब्रायन शॉ का एक अपडेट है, ब्रायन शॉ और एडी हॉल का जैसे मैंने बताया था कि मैच आ रहा है। सो यहाँ पे वो ब्रैंडन एलन के साथ आए थे अपने चैनल पे जो है ब्रैंडन को इन्वाइट किया था। जिनको नहीं पता है लैरी व्हील्स का उनके साथ मैच हो चुका है और लैरी व्हील्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हराया था ब्रैंडन ने। और यहाँ पे जो है ब्रायन शॉ इजीली
बहुत ईजिली जो है ब्रैंडन को पिन कर रहे थे और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस किए और बहुत सारी चीज़ें सीखे उनसे। सो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे एडी हॉल का कुछ चांस होगा। आपको क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, ब्रायन शॉ या एडी हॉल? मेक श्योर कमेंट से ज़रूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।